रायपुर से कवर्धा जाने वाले मुख्य मार्ग पर बेमेतरा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हाईवे पर स्थित उपजेल के सामने सोमवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। प्याज बालू से लदी दो ट्रकों की टक्कर में एक ट्रक चालक का सिर धड़ से अलग हो गया, वहीं दूसरे ट्रक के चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल हेल्पर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद बेमेतरा के लोगों का अमानवीय चेहरा भी देखने को मिला। दुर्घटना के बाद ट्रक में भरे प्याज के बोरियों को बिखारने के बाद लोग प्याज लूटने के लिए टूट पड़े, वहीं दूसरी तरफ मृतक ट्रक के केबिन में फंसे रहे और घायल सड़क पर तड़प रहे थे, मगर उनकी सहायता करने कोई नहीं आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्याज लूट रही भीड़ को भगाकर घायलों को अस्पताल भेजा और दोनों वाहनों को जब्त कर थाने लिया। तो सर बताएंगे, जो ये बेमेतरा रोड पर जो रोड एक्सीडेंट हुआ है और सर धड़ से अलग हो गया है एक मृतक का और दो अन्य जो मृत पाए हैं, बताएंगे उसमें किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और क्या है मामला? ये दो ट्रक आमने सामने की टक्कर हुई है। एक ट्रक में सीमेंट भरी हुई थी और दूसरे ट्रक में प्याज भरी हुई थी। ये रात 3 बजे की घटना है। आमने सामने से इनमें टक्कर हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, बड़ी प्रयास किया गया, एक को तत्काल निकाल के पहुंचा गया और एक अभी कुछ देर पहले ही मतलब 10 या 11 बजे उसको निकाला गया है। अभी तक कुल 3 लोगों की मौत हुई है इसमें। सर घायल कुछ है, घायल भी है कोई? एक कंडक्टर घायल है, मतलब दो ड्राइवर और कंडक्टर थे, तो एक दो ड्राइवर मौके पर ही तत्काल मर गए थे, एक कंडक्टर बाद में मर गया है और एक घायल कंडक्टर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर ऐसी इस घटना के बावजूद भी ग्रामीणों का जो एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है कि ट्रकों में लदे सामानों को लेकर भी अफरा तफरी का माहौल वहां देखा गया। हाँ, कुछ ग्रामीणों ने वहां से प्याज जो थी वो ले जाने का प्रयास किया था और बाकी फिर जब पुलिस पहुंच गई तो फिर लोगों ने इस तरह की कोई घटना को अंजाम नहीं दिया।